देहरादून में युवा कांग्रेस ने प्रशासन पर युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा कि सचिवालय कूच के दौरान कार्यकर्ताओं पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। पिछले दिनों युवा कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड और पेपर लीक समेत कई मामलों को लेकर सचिवालय कूच किया था। भुल्लर ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा विक्टिम टारगेट करके मेरे ऊपर स्प्रे किया गया और मैं खुद जानता हूं, बगल से जब जो आदमी जब भागा वहां से तो वो खुद पुलिस के लोग थे और उसको भगाने में भी पुलिस के लोगों ने सहायता करी। अगर वो पुलिस का आदमी नहीं था तो वहां इतना पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था, उन्होंने उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको पकड़ा जाना चाहिए था, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये पुलिस एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी करने का काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रशासन भले ही झूठ बोले लेकिन उनका झूठ उजागर होकर रहेगा। हमारे साथी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने देखा है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया है, लेकिन इनको ऐसे झूठ बोलकर हम इस अपनी जिम्मेदारी से बचने